अरे सुना रोहित, वो अभी साउथ बॉम्बे वाले लड़कों के और मैं क्या बोल रहा था, बोलना वापस बोलना। देख जो मैं बोलने वाला हूँ उसको बोलने से पहले तेरे को समझना पड़ेगा, वो मेरे दोस्त को जो साउथ बॉम्बे का है, एक्चुअली वो ही नहीं उसके अलावा जितने भी है ना साउथ बॉम्बे के सब, मतलब मोस्ट ऑफ देम इस एज, जब उस एज में हम थे कॉलेज में, तब की मैं बात बता रहा हूँ। मेरा फ्रेंड था जय, जय था जय हिंद का और मैं एमएम के। अब ये लोग ना अपन बोलेंगे जय हिंद, ये लोग क्या बोलेंगे जय हिंद, क्योंकि एक एक्सेंट ना ऑलरेडी आ जाता है जब मैं साउथ बॉम्बे, जब मैं वर्ल्डली सी फेस को करता हूँ तो मेरे उसमें एक्सेंट भी मेरे मुंह के अंदर आ जाता है। इन लोग के हिसाब से ना, इन लोगों को लगता है कि हम लोग ना जैसे बोरिवली मलाड वालों को तो वीजा लगना चाहिए यहाँ पे आने के लिए। एनीवे वो पॉइंट नहीं है। तो जय मेरा एक फ्रेंड है जिसने मेरे को बोला कि आज अपन क्लबिंग चलेंगे, तो बोला ओके। तो उसने बोला थोड़ा तू ठीक ठाक बन के आना, तो मैं एकदम तैयार होकर गया, ठीक है ना, एकदम कपड़े वपड़े ये वो। पर जय ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट, और मैंने जितने भी तभी ऑर्कुट था, जितने भी वो टाइम पे फोटोग्राफ्स मैंने देखे थे ना ऑर्कुट हाईफाई सॉरी, सब में जय जो है ना से व्हाइट शर्ट और ये इनका एक स्टैंडर्ड क्या होता है प्रोटोकॉल, कि ये व्हाइट शर्ट ब्लू जीन्स, इधर सलिया ऐसा खड़ा हो गया, तो बाद में ए ब्रो व्हाट्स अप, वो नहीं होते ब्लैक उनकी तरह चौपर से, और नाम तू देख, जय के मामा ने सूरत में उसका नाम रख, बकुबाई शाह ने उसका नाम रखा जय, उसकी मां उसको बुलाती थी जय की, उसका बाप उसको बुलाता था जयू, लेकिन दोस्तों ने क्या किया उसका नाम रखा जे, जे लेटर जे, अजय देवगन। ये रीजन से साउथ बॉम्बे नहीं जाता कि उसको क्या लगता है सब उसको ए जे, मतलब ए जे इधर आ। तो हम लोग क्लबिंग के लिए जा रहे हैं, ये भाई साहब ने मेरे को बोला था फर्स्ट वी गो प्री, मतलब प्री बोला था, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, मैं नया नया यहाँ पे मैं अंदर गया, तो मेरे को लगा प्री मतलब कोई प्रीवे होएगा डिस्को क्लब का नाम, बोला चल प्रीवे जा रहे। ये मेरे को गोकुल बार लेकर गया, और गोकुल बार के अंदर एकदम अंधेरा 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 अंधेरा, वहां पे एक साउथ इंडियन के हाँ बड़ा क्या लेने गए, तो ये वो रेगुलर वाला भी क्या ना, जो सबसे सस्ती दारू थी ना उसने बुलाई, और लड़कियां भी आई और इन लोगों ने जो है वहां पे पी रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ब्रो ये था तेरा क्लबिंग बैंड ब्रो दिस इज प्री, बाद में मैं बोला व्हाट इज प्री, तो बोलते प्री मतलब प्री ड्रिंकिंग, मैं बोला प्री ड्रिंकिंग मतलब साला ये क्या है, क्या हम लोग तो डायरेक्ट क्लब में जाके पीना चालू ना, ये साला बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। इनकी लड़कियों का भी नाम शनाया तनाया मनाया, क्या नाम बनाया ब्रो, वो लोग भी आ गए वहां पे और सब ऐसे कर रही है, पैसा एक जन ने भी नहीं निकाला, जैसे ही बिल आया ब्रो यू टेक केयर ऑफ दिस आई विल हैंडल इट इंटरेस्ट, या ओनर इज माय फ्रेंड डीजे इज माय फ्रेंड, मगर चल ठीक है हो जाएगा। अब ट्रिस्ट के बारे में मैं तेरे को बोलता हूँ, ट्रिस्ट एक ऐसी जगह है जहां पे ना जैसे अपने लिए कैसा एक जगह होती है कि अपन जाके उसको ऐसे बोलते हैं यहाँ ये हमारे यहाँ पे पीस मिलता है ये वो, ट्रिस्ट इनका मंदिर है, ये लोग जाएंगे ऊपर और उसका एलिवेटर कभी नहीं चलेगा, वहां चल चल के जाने का, ताकि तुम अगर बाहर से पी के आए हो गोकुल से वो उतर जाए। गोकुल में भी ना इनका एक प्रिविलेज कार्ड बन जाता है गो, इसमें 20% ऑफ, ये कार्ड दिए 20% ऑफ बैक टू ट्रिस्ट। तो ऊपर गए चल चल के, अभी कैसे एक नशेड़ी दूसरे नशेड़ी को देख के समझ जाता है यार यूर माय ब्रो, एक लेस्बियन लेस्बियन को देख के समझ जाती ना, वैसे एक साउथ बॉम्बे वाला दूसरे साउथ बॉम्बे वाले को देख के पहचान जाता है। तो वहां पे एक बाहर लड़की खड़ी होगी और वो जैसी साउथ बॉम्बे की लड़की है उन सबको हवा में चुम्मा और एंट्री, मेरे को देख के समझ गए कि ये होनी है। तो उसने बोला हु इज ही, ओ इज माय फ्रेंड फ्रॉम मालाड, व्हाई द फक इज मालाड, मैं मालाड नहीं है मलाड है, बट आई नो तुम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम है। अब मेरे को बोलती है यार दस 15,000 पर स्टैग, अब मेरे को ईगो पे आ गया,
मैं तो जय हिंद जय बॉम्बे जय मलाड। मैं बोला ले साला। मैंने रियलाइज किया ना सबका खर्चा ना वो मैं ही दे रहा था। अंदर जाने के बाद मेरे को बोल रहा है ब्रो द ओनर इज माय फ्रेंड, ब्रो द डीजे इज माय फ्रेंड। अब जितने भी खड़े सब ओनर। बोला चल ये ओनर। अंदर जाके ये लोग ना कभी फोटो में कभी हंसते हुए नहीं दिखेंगे, कभी नहीं। सबका पोजेस में देता हूं। लड़की का देख जैसे ये मुंह ना ये ऐसे आगे जाएगा और ये पीछे जाएगा सर। और लड़के का एकदम एक ये पोज है, देख ये क्या है कि तुमको लूज मोशन हो रहा है पर रोकना है, शायद यहां से भी निकल जाता था। ऐसे ऐसे पोजेस यू नो मैं आप अपने कैसे मी एंड माय फ्रेंड नहीं, इनका अलग है। इसके बाद पार्टी वार्टी हो गया, फिर ये लोग जाएंगे बाड़े। व्हाट इज बाड़े? बड़े वापस गोकुल के बाजू में बड़े मियां। उधर बड़े मियां के ओलों में भी बोल दिया उन लोगों पूरा बड़े मियां बोला करो नहीं तो तुमको ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये बड़े बड़े क्या होता है तो या ब्रो। और डिपेंड करता है इनके पास आज कितने पैसे है। अगर जैसे मैं था तो मेरे को लेकर गया बड़े, अगर मेरे से कोई बड़ा थोड़ा होता कोई बैंड्रा जुहू वाला तो उसको लेके जाते थोड़ा अपना ट्राइडेंट या मरीन ड्राइव, एक मैंडेटरी है। क्लब के अंदर एक बात मैंने और नोटिस किया था, जो दो लड़कियां थी ना उनको जरूरी है साथ में एक लेस्बियन डांस करना। उसके मतलब और वो वीडियो और वो इंस्टाग्राम पे वो जो भी मतलब वो नहीं जाए ना वो अभी भी ऐसा रहेगा, मतलब तो नहीं हुआ पार्टी साथ में दो लड़कियां बैठ गई तो पकड़ गए। बोला क्या कर रही है, तेरी माँ देखेगी क्या बोलेगी तेरे बारे में। लेकिन नहीं, अब हम लोग इसके बाद में जय के घर गए। जय जब अकेला रहता है ना क्योंकि वो गुजराती है तो घर के बाहर जूता रखे और एक्सेंट भी बाहर छोड़ के आता है। लेकिन उस दिन हम लोग थे तो जय अपने एक्सेंट और जूते के सामने जाके बोलता है मामा माय फ्रेंड्स आया वाज देयर फॉर डिनर। तो उसकी मम्मी वहां पे अंदर से चिल्ला रही है तमारे जे बक्कू भाई मामा छे ने तमारा माटा भाकर वाड़ी लेवू छे मामा माय फ्रेंड्स। हाँ जे मैं भाकरवाड़ी खा लूंगा नो प्रॉब्लम। मॉम वेज द रिसोटो? तो माँ रोटलो रिसोटो रोटलो रिसोटो रोटलो। मैं बोला जे छोड़ जाने दे अपन जाने दे। तो जे को बहुत एम्बेरसिंग लगा। अब थोड़ी देर बाद जय का डैड आया अपना एकदम शेयर बाजार का खत्म वतम करके दारू वारू पी के मावा वावा ऐसा। और हम लोगों ने अंदर आके बोला सब लड़कियां बैठी है तनाया शनाया मनाया सब। और उसके अब डैड ना एक कूल बनने के लिए उसके डैड ही देखे यू मस्ट टेक मी टू पार्टी नेक्स्ट टाइम मेरा मामा अंडर और फिर खुद ही आई विल ऑल्सो डांस। उसके बाद एक शो ऑफ वाला एंड में पंच लाइन होता है अपना दरवाजा बंद करके लुक एट दिस टीवी आई बॉट इट फ्रॉम जापान इट इज फॉर 2 लाख और सब। ये लोग क्या है जब ऐसे फॉरेन जाते ना तो जरूरी है आगे 10 बार बोलने का कि તમને ખબર છે આપણે સ્કોટલેન્ડમાં જો આપણો એ ટ્રીપ છે ને આપણે ન્યુયોર્કમાં ને આપણે ભલે વહા પે જાકર ના રાજ ટૂર્સ મેં નીચે જાકે ભજિયા ખાયા હો તમને ખબર છે વી હેડ ફલાફલ ઓવર ડેર ઇન દુબઈ બસ